आजमगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट ने जहरीली शराब कांड के मामले में बाहुबली सपा विधायक रामाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी। रामाकांत के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि जिले में जहरीली शराब कांड के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में रामाकांत यादव कोर्ट में पेश भी हुए। अधिवक्ता का कहना है कि रामाकांत यादव का कोई न कोई मुकदमा प्रतिदिन अदालत में चल रहा है। वहीं सराय मीर थाने में वर्ष 2006 में दर्ज मुकदमे के मामले में स्वर्ण बनाम दलित में कोर्ट ने रामाकांत यादव पर चार्ज फ्रेम किया है। रामाकांत यादव वर्तमान में आजमगढ़ की जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ आगमन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि 20 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जनपद आगमन होना था, लेकिन उनका यह कार्यक्रम स्थगित हो गया है। अब वो 23 अगस्त को आएंगे। इस दौरान उनके द्वारा जनपद भ्रमण के साथ ही इटौरा जेल में सपा विधायक रामाकांत यादव से मुलाकात की जाएगी। इसके बाद वो पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उनके और क्या कार्यक्रम है, इसकी जानकारी अभी तक ऊपर से नहीं आई है। त्रिवेणी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 700 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। लालगंज के विधायक बेचई सरोज ने कहा कि कुछ घंटे के सदस्यता कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों का पार्टी से जुड़ना साबित करता है कि जनता का झुकाव सपा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रामाकांत यादव के अधिवक्ता आद्याशंकर दुबे ने बताया कि रेगुलर मामले में 22 अगस्त को पेशी है। अधिवक्ता ने बताया कि रामाकांत यादव के विरुद्ध 46 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से लगभग 35 मामलों में निर्दोष साबित हो चुके हैं, जबकि लगभग 10 मामले चल रहे हैं। इन 10 मामलों में 5 पुराने मामले हैं, जबकि 5 नए मामले हैं जो कि पुलिस ने दर्ज किए हैं। इन मामलों में थाने का घेराव, चुनाव से संबंधित मुकदमे हैं। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 10 जस्टिस ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रही है। बता दें कि वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी रामाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के बीच फायरिंग हुई थी। इस मामले में दोनों पक्षों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जुलाई माह में रामाकांत यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। सपाई लगातार रामाकांत यादव को निर्दोष बता रहे हैं। पिछले दिनों सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल डीएम और एसपी से मिलकर विरोध दर्ज कराया था। अब रामाकांत यादव से मुलाकात के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव आने वाले हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक अखिलेश यादव 20 अगस्त को कार से पूर्वाह्न 10 बजे लखनऊ से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। वो 2 बजे सीधे टौरा स्थित जिला कारागार पहुंचेंगे। यहां वो रामाकांत यादव से मुलाकात करेंगे। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव 3 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। शाम 7 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे। पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कार्यक्रम की पुष्टि की और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।